बीजेपी ने बुधवार को 7 लोकसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें फूलपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, बलिया, मछलीशहर, मैनपुरी और गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र शामिल है। इस लिस्ट की खास बात ये रही कि इस लिस्ट में 7 में से 5 नाम नए हैं, सिर्फ 2 ही कैंडिडेट पुराने हैं, बाकी सब 5 चेहरे नए हैं। खैर, इस सबकी तो चर्चा पहले से ही थी कि बीजेपी इस बार कई सांसदों के टिकट काट सकती है, और हुआ भी वैसा ही। लेकिन इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम गाजीपुर से था। इस लिस्ट पर बीजेपी ने वही किया जिसके लिए पार्टी फेमस है। गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से कई दावेदार थे, लेकिन पारसनाथ राय के नाम की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पारसनाथ राय यूं तो सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में कई दशक से सक्रिय हैं। पारसनाथ राय ने अति पिछड़े क्षेत्र के अपने गांव सिखड़ी में कई शिक्षण संस्थान शुरू करके शिक्षा की अलग जगाई। इसके साथ ही वे सामाजिक तौर पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय रहे। पारसनाथ राय को मनोज सिन्हा का बेहद करीबी माना जाता है। मनोज सिन्हा 1984 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने गाजीपुर आए, तब से 2019 तक पारसनाथ राय ने ही उनका चुनावी प्रबंधन देखा और उनकी हर संभव मदद भी की। ऐसे में सियासी गलियारों में ये कयास लगाया जा रहा है कि पारसनाथ राय को प्रत्याशी बनाने में मनोज सिन्हा का खासा योगदान रहा है। बता दें कि 2014 में मनोज सिन्हा ने ही गाजीपुर की सीट बीजेपी की झोली में डाली थी, जिसके बाद उनको मोदी सरकार में रेल मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन साल 2019 के चुनाव में उन्हें इसी सीट से सपा के अफजल अंसारी से हार का सामना करना पड़ा था। सपा ने इस बार भी अफजल अंसारी को ही यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी ने अभी तक इस सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि इस बार गाजीपुर में सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजल अंसारी के पास सपा के परंपरागत मतों के अलावा दलित समाज के साथ साथ हर जाति में अपनी पैठ है। साथ ही मुख्तार अंसारी के निधन के बाद से सहानुभूति भी वोट में कन्वर्ट होती तय मानी जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय के पास भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट है, साथ ही इनका यादव और राजपूत समाज में अच्छा खासा रुतबा भी है। इनकी यादव और राजपूत समाज में अच्छी पैठ है। इनके पुत्र आशुतोष कुमार राय के साथ युवाओं की बड़ी तादाद है। ऐसे में गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का लोकसभा चुनाव सियासी मायनों में काफी दिलचस्प होने वाला है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।